यूपी निकाय चुनाव में और फंसा पेच, अब सीएम योगी के सामने आई नई मांग। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल निकाय चुनाव के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंस गया है। ये मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके चलते यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव टल गए हैं। लेकिन इस बीच एटीए में निकाय चुनावों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने की मांग भी जोर शोर से उठी है। एटीए महोत्सव में भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना और यूपी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की प्रमुख सदस्य देविका एस मांगला नई मांग रख दी है। देविका एस मांगला ने बातचीत करते हुए कहा, ट्रांसजेंडर्स के लिए निकाय चुनावों, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में आरक्षण प्रदान करने की सरकार से जोरदार मांग की। ट्रांसजेंडरों की संख्या देश में करोड़ों में है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने की मांग रखी। देविका देवेंद्र एस मंगला मुखी ने बातचीत करते हुए कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में रखा जाए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना तो उस क्रीमिलियर का कुछ पता है, हम लोगों को हमारी जगह नहीं पता और कितना प्रतिशत हमें आरक्षण है हमें ये भी नहीं पता। पर जैसा कि मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह की तत्परता दिखाई है, निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से सीट आरक्षित होनी चाहिए। देविका देवेंद्र एस मंगला मुखी ने और आगे कहा, सिर्फ मेयर की नहीं चेयरमैन यानी सभापति और सभासदों के चयन में भी ट्रांसजेंडरों को वरीयता मिलनी चाहिए। चूंकि संविधान निहित है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, मुझे लगता है कि हम लोग तो बागी है। आप दर्जा नहीं दोगे तो हम दर्जा ले लेंगे। लड़ाई अभी शुरू हुई है, अभी संघर्ष की शुरुआत है, अभी तो कारवां बहुत बाकी है। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।